सुबह का टाइम था, लगभग 7:45 बजे का, और मैं सोफे पे बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। अचानक से मेरे मोबाइल में एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से। उसमें लिखा हुआ था कि जो है आपकी वीडियो रिमूव कर दी गई है, जिसका टाइटल था कंपटीशन, आपने शायद देखी होगी, वो रिमूव कर दी गई है। ये देखने के बाद मैंने मेल देखा तो उसमें लिखा था कि किड्स पॉलिसी को आपने जो है वायोलेट किया है। फिर मैंने उसमें अपने चैनल में जाके देखा, उसमें देखा, मैंने कहा कोई स्ट्राइक गाइडलाइन वगैरह तो कुछ नहीं आई है। उसमें मैंने देखा ना कोई स्ट्राइक थी ना गाइडलाइन थी, केवल एक वार्निंग थी, जो कि आजकल वार्निंग आती है, स्ट्राइक वगैरह कुछ अगर नहीं होती तो वार्निंग रहती है, तो वो वार्निंग थी, ठीक है। उसके बाद और ये भी लिखा था कि इससे आपके चैनल को कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग है। उसके बाद लगभग 8 बजे का टाइम था, फिर मैंने देखा चैनल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल लॉगिन ही नहीं कर पा रहा था मैं। वहाँ मैं देख रहा था तो लॉगिन हो ही नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि यार चैनल गया कहाँ, हैक तो नहीं हो गया। फिर मैंने जो है अपने लैपटॉप में जाके देखा, वहाँ से दिखाई दिया। दोस्तों मैंने एक जगह बच्चे को यूज किया था, एक दो जगह यूज किया था, 5-4 सेकंड के लिए। एक बार तो मैंने लाफिंग इफेक्ट डाला था, जैसे लास्ट में मेरा लाफिंग इफेक्ट होता है हंसी वाला, वो डाला था। और एक जगह एक लड़की बच्चे के साथ टिकटॉक वीडियो बना रही थी, तो मैंने उस पर कमेंट्री की थी कि देखो बच्चे को भी अपने साथ साथ बिगाड़ रही हैं। वो इस तरह की वीडियो थी कि वो बच्चे के साथ नहीं बनानी थी, तो मैंने उस पर बोला था, जो कि गलत नहीं है, आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर मैं मेरे चैनल पर कोई गलती होती तो आप ये समझ सकते हो, ये जो मेरे पास ईमेल आया हुआ है YouTube पार्टनर मैनेजर प्रोग्राम का, ठीक है, ये ईमेल उन लोगों के पास पहुंचता है, उन लोगों के पास ये चूज करके भेजते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, एक यूट्यूब का चैनल जो बड़ा हो जाता है, यूट्यूब चैनल उसका एक मैनेजर बन जाता है, तो वो उससे डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकता है और अपनी जो है समस्याओं को बता सकता है। तो ये मेल मेरे पास आया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये मेरा चैनल अच्छा होगा तभी ना मेरे पास आया था, और ना कोई मेरे चैनल पर स्ट्राइक ना गाइडलाइन कुछ नहीं थी, ठीक है ना। और अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों ने मेरे साथ इतनी हेल्प की, इतने सारे वीडियो बनाई, क्योंकि जिस दिन चैनल गया उसके बाद से मैंने सैकड़ों मेल कर दिए, 400-500 मेल कर दिए थे, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया। सबसे पहले तो टेक्निकल इसरार सर ने उस पर क्या बोलते हैं ट्विटर पर मुझे रिट्वीट किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक उनका आया कूल माइंड टैग का जो है मेल का रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप नंबर दिया, बात की, मेरे लिए वीडियो बनाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मेरे लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हैं, ठीक है ना। तो यार मैं सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी रिट्वीट करवाया, सब कुछ किया। और अब उनका एक सवाल है कि भाई सुनील भाई आपके चैनल पर क्या अपडेट चल रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल मैंने उनको ईमेल किया था, यूट्यूब वालों को एक अलग से मेल किया था, तो उधर से मेल आया था कि आपका चैनल हम, मैंने इस तरह से मेल किया था कि मेरा चैनल रीचेक किया जाए, तो रीचेक के लिए उन्होंने बोला था ठीक है हम रीचेक कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम आपको मेल कर देंगे। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बार बार मेल नहीं करूँगा, जैसे भी कोई अपडेट आता है आपको बता दूँगा, क्योंकि चैनल में कोई गलती है ही नहीं, होती तो जाहिर सी बात है, होती तो आपको दिखती, मेरा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है और आप देख सकते हो, तो चैनल जहाँ तक आ जाएगा आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से। और मुझे एक चीज़ पे बहुत वो सोचने पे मजबूर हो गया, मैंने मनोज डे भाई को यार सोच रहा था, वो अगर हेल्प कर देते तो ज़्यादा लोगों को पता लग जाती कि भाई यूट्यूब पे एक चैनल हैक डिलीट हो गया है, ठीक है ना, जिसकी ना कोई ईमेल आता है ना कोई कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो मनोज डे भाई के पास भी मेरा ये संदेश भेज देना, उन्होंने पता नहीं मेरे मेल देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हो सके तो। और मनोज डे भाई अगर मेरे लिए हेल्प करेंगे, ना करेंगे तो भी कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैं उनकी वीडियो देखता भी हूँ, काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ। और भी बहुत से चैनल हैं जिनका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। एक तो ऑल हिंदी में हेल्प यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा वेबसाइट वगैरह के बारे में बताते हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए वीडियो बनाई। और एक चैनल और भी है जो अभी डिलीट हुआ था, पहले 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वेस्ट हेल्प इन हिंदी, उन्होंने मुझसे 1 घंटे बात की भाई साहब, उन्होंने मुझे समझाया बुझाया बहुत ही अच्छे से, उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई किसी के लिए कुछ ना करे, बस साथ खड़ा हो जाए, यही बहुत होता है। तो इन सभी के लिए यार मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की मेंटलिटी बताने जा रहा हूँ जो कितना गिर गए हैं, ठीक है ना। अभी मेरा चैनल डिलीट हुआ तो लोगों की मेंटलिटी ये देखो, मैंने जब न्यू चैनल बनाया सुनील यूट्यूबर अगेन करके ये वाला, ठीक है, तो लोगों ने भी सुनील यूट्यूबर अगेन करके चैनल बना दिया और उस पर मेरी यही वीडियो अपलोड कर दी। मैंने बोला चलो ठीक है मेरी वीडियो अपलोड कर दो, लेकिन नाम तो चेंज कर लो, लेकिन ना वो
फेक, मेरा फेक नाम रख के सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको पहचानना कैसे है। गाइस जितने भड़वे हैं ना मेरे नाम से फेक चैनल बनाए हुए हैं, उन सबको पहचानना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने सुनील यूट्यूबर सर्च किया तो आप देखो कितने सारे फेक चैनल, ये पहले नंबर पे आ रहा है सुनील यूट्यूबर अगेन, ये वाला चैनल जो है मैंने मेरे नाम से किसी ने बनाया है, ठीक है। और आप ये देखो इसको पहचानेंगे कैसे, इस पर 678 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, समझ रहे हो। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखो 678 लोगों को इसने चूतिया बना दिया, ठीक है। अब इसको पहचानना कैसे, यहाँ अबाउट में जाना है, ये देखो यहाँ अबाउट में जाना है और ये देखना है, ये 27 अक्टूबर 2019 को क्रिएट किया गया है, जबकि मैंने तो 23 जून को क्रिएट किया है। तो यही पहचान है, इन जितने भी ये पाखंडी हैं इन सबको जो है आपको इग्नोर करना है। मैं अपना बता रहा हूँ, अब मेरा आपको मान ली सुनील यूट्यूबर अगेन अगर आपने सर्च किया तो ये देखो मेरा आ गया, और मेरा 23 जून आपको अबाउट में मिलेगा, यहाँ 23 जून को ज्वाइन किया है, ये असली पहचान है, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लेना। और आप लोगों ने इस चैनल पे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। इसी तरह मुझे ट्विटर पे रीट्वीट करते रहिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और करवाइए दूसरे लोगों से भी, ठीक है ना। देखते हैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से चैनल वापस आता है कि नहीं। पहली बात तो कोई गलती है ही नहीं, आ जाना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।